आज बेटे बेसिक नेचर हमें पता है, वी ऑल नो दैट अमोनिया इज अ लुईस बेस, इजंट इट? इज अ लुईस बेस। अगर हम अमोनिया को इवन वाटर में डालते हैं, इट विल गिव यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये टूट के OH नेगेटिव देगा। हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वाटर में डाल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर टूट के हमें अमोनियम और OH नेगेटिव आएगा। तो अमोनिया एक लुईस बेस है, हम ये भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है, और साथ में एक्वस में बिहेव करता है, ये OH नेगेटिव दे देता है। अगर अमोनिया ऐसा बिहेव कर सकता है, क्यों नहीं अमीन? अमीन भी तो कर सकती है, अमीन में सिर्फ एक R ही ग्रुप आया है, तो ये भी तो OH दे सकती है, ठीक है, इट विल ऑल्सो गिव यू OH नेगेटिव, तो ये भी बेसिक है। बात ये है कि अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन हो बेटे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? आपने इसका ऑर्डर एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। हमारे पास प्राइमरी अमीन है मिथाइल अमीन, हमारे पास सेकेंडरी अमीन है डाई मिथाइल अमीन, टर्शरी है ट्राई मिथाइल अमीन, और इनके पास सबके पास लोन पेयर हो। ठीक है, इन सब के पास बेटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात है गैशियस फेज, आपको ये क्वेश्चन टू फेज में आता है, एक गैशियस फेज में, एक आता है बेटे एक्वस फेज में, तो दोनों का आंसर डिफर करता है, ठीक है। अब बात करें, हमने वाटर नहीं ऐड किया, हमने सिर्फ और सिर्फ गैशियस फेज में इनकी स्ट्रॉन्ग बेस देखा, ठीक है। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस वो है लुईस बेस जो कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करते। अब इजिली वही डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वही डोनेट करेगा। अब इसके पास बेटे 3CH3 ग्रुप है, इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो इट हैज 3CH3 ग्रुप, और ये तीनों CH3 ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव फैक्टर। इसके पास ऐसे ग्रुप 2 हैं, इसके पास ओनली 1 ग्रुप है, तो जितने ज्यादा ये ग्रुप लगे होंगे उतने ये नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर उतने ज्यादा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन किसी और को जल्दी दे पाएगा, ठीक है। इसका मतलब है, क्योंकि इसे कहते हैं हम प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट हमने देखा किसका सबसे ज्यादा, टर्शरी का, देन किसकी बारी आई थी, सेकेंडरी की, देन किसकी बारी आई, प्राइमरी की। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बेटे टर्शरी का है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस टर्शरी अमीन होना चाहिए, फिर बारी आनी चाहिए सेकेंडरी की, फिर बारी आनी चाहिए प्राइमरी की, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है बेटे गैशियस फेस में, क्योंकि गैशियस फेस में तीन तीन जब एल्काइल ग्रुप लगे हों प्लस आई वाले, नाइट्रोजन को इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन को स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो हम ये कहें कि ये इवन स्ट्रॉन्ग बेस हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अमीन्स आर स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के पास तो कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, या प्लस आई वाला ग्रुप है ही नहीं, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग बेसिस बनते जाएंगे, ओके। अब बात करें बेटे हम एक्वस में, तो आपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि गैशियस लिखा हुआ है या एक्वस। तो गैशियस में तो आपने प्लस आई इफेक्ट एक्सप्लेन करते हुए टर्शरी को स्ट्रॉन्ग, देन सेकेंडरी को, एंड देन प्राइमरी को, ठीक है। अब बात करें हम एक्वस में, अब एक्वस में क्या ऑर्डर होता है, एक्वस में ये ले लेता है लीड,
ये सेकेंडरी है, देन प्राइमरी, देन टर्शरी. इट विल बी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन टर्शरी. ये किसकी बात करी मैंने, ये सिर्फ मिथाइल अमीन, दो अमीन्स की बात आती है बेटे एग्जाम में. एक मिथाइल अमीन का क्वेश्चन आता है, एक इथाइल अमीन का क्वेश्चन आता है. आपने याद रखनी है, एक मिथाइल अमीन का और एक इथाइल अमीन का. ठीक है, समझ आ रही है. और उसके बाद अमोनिया तो सबसे लास्ट में है ही, ओके. और जब इथाइल अमीन लेंगे, सेकेंडरी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा. अगर मैं यहाँ पे इथाइल ले लूँ, मतलब यहाँ पे इसे चेंज करके ये वाला ग्रुप ले लूँ, ये दोनों ग्रुप पे क्वेश्चन आता है बेटे एग्जाम में. तब ऑर्डर सेकेंडरी ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, मगर टर्शरी आगे आ जाएगा और फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया. तो ये ऑर्डर आपने हमेशा याद रखना है, सेकेंडरी, प्राइम, टर्शरी, फिर अमोनिया. जब हम इथाइल लेते हैं और जब हम मिथाइल लेते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी, देन अमोनिया. अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है एक्वस में ऐसा. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटे, दिस इज फॉर मिथाइल अमीन्स. ठीक है, और ये है मिथाइल लिखा हुआ. अच्छा, अब फर्स्ट फैक्टर आ जाओ बेटे, इंडक्टिव फैक्टर. अब इंडक्टिव फैक्टर तो हमने अभी देख ही लिया, इंडक्टिव फैक्टर है टर्शरी में सबसे ज्यादा लग रहा है, सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में कम. इंडक्टिव फैक्ट के हिसाब से चाहे वो मिथाइल अमीन है चाहे वो इथाइल अमीन है, इन दोनों को ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि दोनों में प्लस आई वाला जो फैक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उनको बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. तो चाहे इथाइल है चाहे मिथाइल है, दोनों के केस में ये होगा. अब सेकेंड फैक्टर की बात करें बेटे, अब जितने आर ग्रुप लगेंगे, ठीक है, जितने आर ग्रुप एक लगा है प्राइमरी है, आर ग्रुप दो लगे हैं सेकेंडरी है, आर ग्रुप तीन लगे हैं देन इट इज अ टर्शरी वन. जितने आर ग्रुप आप बढ़ाते जाओगे, यू विल इंक्रीज द आर ग्रुप, उतना भीड़, स्टेरिक, स्टेरिक इफेक्ट होता है जो भीड़ के कारण होता है, तो उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है. अब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है नाइट्रोजन को, अब नाइट्रोजन को देखो इतने सारे आर ग्रुप सराउंड करके बैठे हैं, नाइट्रोजन को स्पेस ही नहीं मिल रही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए. तो स्टेरिक इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं भीड़ के कारण कोई इफेक्ट लगाए, वो टर्शरी में सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में. क्योंकि टर्शरी में अल्काइल ग्रुप है, देन सेकेंडरी में टू है, फिर प्राइमरी में वन है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाता है स्टेरिक इफेक्ट का. अगर स्टेरिक इफेक्ट का ऑर्डर ये है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, मतलब इसमें प्राइमरी ने लीड ले ली एज कम्पेयर टू टर्शरी. इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बेटे टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी था ऑर्डर बेसिसिटी का, ठीक है, और स्टेरिक इफेक्ट के कारण जो ऑर्डर है वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी में भीड़ सबसे कम है, फिर सेकेंडरी में उससे ज्यादा है, फिर टर्शरी में उससे ज्यादा है. बट इट, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द सॉल्वेशन फैक्टर. या हाइड्रेशन. अब देखो, जब हमने एक बेस लिया, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस मीडियम में, तो ये यही बनाएगा, क्योंकि ये लुईस बेस है. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे बेटे, थ्री.
अब ये जो थ्री हाइड्रोजन लगेंगे ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा अपना। अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि तो इसने लोन पेयर डोनेट किया। अब ये क्या जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाता है बेटे तो हाइड्रेशन एनर्जी हमें पता रिलीज होती है, इसको स्टेबल करती है। अब अमीन की केस में, प्राइमरी अमीन की केस में कितने हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, तो कितने मोल से हाइड्रेटेड हुआ, 1, 2, 3 से। तो इस केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी। अब नेक्स्ट का केस देखें, R2NH, अगर एच प्लस आया तो कितने हाइड्रोजन होंगे, सिर्फ 2 इसमें, तो 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज होगी। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट केस में तो बनेगा ही एक। ठीक है, नेक्स्ट केस में तो बेटे एक ही बॉन्ड बनना है, तो इसमें सबसे कम हाइड्रेशन रिलीज होगी। तो इसमें भी सबसे आगे कौन आ गया, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होता जाएगा। तो हमने क्या देखा, अब तीनों फैक्टर को कंबाइन करो, तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करो हरिया, तो आप क्या देखोगे, इंडक्टिव फैक्ट के कारण, फर्स्ट फैक्टर इंडक्टिव के कारण बेसिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए, सेकंड के कारण बेसिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए, थर्ड के कारण भी, दैट इज सॉल्वेशन के कारण भी बेसिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइमरी सबसे लास्ट में चला गया, 2 केसेस में प्राइमरी सबसे आगे है, सेकेंडरी ने अपनी कभी पोजीशन नहीं छोड़ी। जब सेकेंडरी का मान लो मीन निकाला गया तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो ये कभी भी थर्ड पे तो आया ही नहीं। ठीक है बेटे, उसके बाद बारी आई प्राइमरी की और उसके बाद बारी आई टर्शरी की, क्योंकि टर्शरी 2 में पीछे चला गया, और लास्ट में आई अमोनिया की। ये हमने किसके लिए लिखा, ये हमने जब मिथाइल अमीन लिए, और जब हम इथाइल अमीन लेते हैं तो हमने ऑर्डर लिखा था ये वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि टर्शरी का प्लस आई अफेक्ट ज्यादा होता है इस केस में, इथाइल केस में, तो जो टर्शरी का प्लस आई इस मिथाइल से भी इस प्राइमरी से बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की कार्बन बढ़ते जाते हैं तो प्लस आई का अफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप इस केस में जब इथाइल वाला आए तो इथाइल को टर्शरी पोजीशन पे रखोगे और प्राइमरी को जो करोगे आप पीछे वाली पोजीशन पे कर दोगे। व्हाट द पॉइंट, यस बेटे एवरीवन कुछ बोलो, यस नो, हाँ जी, ओनली 2 आर लिसनिंग, 3 बस, 4। ठीक है, अब आ जाओ हमारे एरोमेटिक के ऊपर। ओके, अच्छा बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन दे है ना, तो चाहे एरोमेटिक है वो भी तो इलेक्ट्रॉन देंगे। ये देखो एरोमेटिक ने भी तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये एनिलीन है इसने भी तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, मगर इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये कम प्रोबेबिलिटी है इसकी देने की। तो एरोमेटिक एलिफेटिक से वीक बेसिस हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि NH2 का बेटे प्लस R इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वाई एरोमेटिक अमीन आर लेस बेसिस देन एलिफेटिक अमीन, क्योंकि एरोमेटिक अमीन में जो NH2 ग्रुप है वो उनका क्या होता है बेटे प्लस R इफेक्ट, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है दे आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। अच्छा, अब आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे,
अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बाद में देखते हैं। अब वैसे ही अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, जो इससे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो इसको वीक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगाओगे तो इसको स्ट्रांग करेगा। अच्छा, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड याद करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑर्थो इफेक्ट हुआ करता था। उस इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ वो स्ट्रांग ही बनाता था, यही था ना। मगर यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट उल्टा है। यहाँ पे अगर कोई भी आप ग्रुप लगा दो ना इस पोजीशन में, इसको वीक बनाएगा। वहां पे स्ट्रांग बनता था, यहाँ पे वीक बनेगा। ठीक है, चलो हम अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को देखें। सबसे पहले हम CH3 लगाएं, लेट अस प्लेस CH3। ठीक है, टोलविडीन्स बनाएं, मतलब ये होता है। तो आपके पास ये देखो NH2 है के साथ CH3 है। NH2 दैट इज एनिलीन, टोलविडीन बन गई। CH3 के साथ NH2 है, CH3 के साथ आपने कंफ्यूज हो रहा है, मेरे लिए तो दोनों इक्वल हैं। NH2 CH3 NH2 CH3 विजिबल NH2 अब CH3 का क्या इफेक्ट होता है बेटे? प्लस आई, मेटा पे अकेला आई लगता है, यहाँ पे प्लस आई प्लस आर, इसकी तो बात ही छोड़ दो ना, हमें प्लस आई या प्लस आर से लेना ही नहीं है। इसके लिए हम लिखेंगे ऑर्थो इफेक्ट, बट दैट्स इट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी ये तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता, पता नहीं कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आ गया बेटे ऑर्थो इफेक्ट। अब आप मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होना चाहिए? हरी आप जल्दी जल्दी बताओ, जरा बोला करो। हरी आप थर्ड थर्ड बेटे पैरा पोजीशन पे थर्ड, हाँ थर्ड, अच्छा थर्ड सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखो पैरा वाला सबसे स्ट्रांग है बेटे, क्योंकि इसमें प्लस आई प्लस आर दोनों है। ठीक है, फिर उसके बाद मेटा वाले की टर्न आ जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस आई है। फिर उसके बाद सिंपल एनिलीन की टर्न आ जाएगी, और ये होना तो सबसे आगे इसको होना चाहिए था, क्योंकि इसमें प्लस आई भी है प्लस आर भी है, और आई एक डिस्टेंस इफेक्ट होता है, तो ये सबसे पास पड़ा है, इसको सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, मगर ये सबसे वीक हो जाता है। समझ आ रही है? ये सबसे वीक हो जाता है क्योंकि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, तो फोर्थ नंबर पे ये पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे इसको हटा के NH2 लगा दूंगा। अब यहाँ तो मैंने छोड़ ही दिया ना इसको ऑर्थो इफेक्ट लिख के। अब इस केस में इस ग्रुप का आर तो है नहीं, माइनस आई है। इस ग्रुप का नो डाउट माइनस आई है, पर प्लस आर है, प्लस आर लोन पेयर के कारण, और इसमें है ही नहीं। अब सोचो क्या है, अरे
अब सोचो क्या है। हाँ देखो बेटे, प्लस आर डोमिनेंट करेगा माइनस आई से, ये सबसे स्ट्रांग हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। अब नो डाउट इसमें माइनस आई है, प्लस आर नहीं है, ठीक है, मगर एनिलीन में कुछ नहीं है, तो एनिलीन को आगे होना चाहिए था मेटा से। मगर बेटे इसके पास दो NH2 ग्रुप है, तो दोनों बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, समझ रहे हो, ये दोनों ही बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसलिए दोनों NH2 ग्रुप होने के कारण ये सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। तो NH2 ही है, ये भी NH2 है, ये भी NH2 है, तो जितने NH2 बढ़ेंगे उतनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने की कोशिश होगी, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बेटे ये थर्ड पोजीशन पे, और वो बेचारा ऑर्थो फैक्ट लेके बैठा हुआ है कि मैं ऑर्थो फैक्ट का मारा हूँ, ठीक है, दैट इज वाई इट इज अ वीक। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, मिथॉक्सी ग्रुप लगाओ। ये वैसे आपने जो पहले बेसिक ऑर्डर किया पहले वो ही करोगे, ठीक है, ये मैं मिथॉक्सी ग्रुप लगा रही हूँ। हाँ जी, तो मिथॉक्सी ग्रुप का बेटे माइनस आई प्लस आर है, माइनस आई है अकेला। हाँ जी, नहीं, अब बेटे प्लस आर है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है, प्लस आर है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये माइनस आई है, अब इसमें तो कोई NH2 का चक्कर ही नहीं कि ये दोनों NH2 हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है ना, तो इसको कम स्ट्रॉन्ग करेगा, प्लस आर तो लग ही नहीं रहा इस केस में, तो सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में ये इससे भी ज्यादा लीड ले लेता है, क्योंकि इसमें इतना ऑर्थो फैक्ट नहीं लगता जितना इसका माइनस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर का, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ जाता है बेटे, ये फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, ये अब थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये ऑर्थो फैक्ट भी इतना लग नहीं पाता, इसलिए थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। ओके नेक्स्ट आप लगाओ बेटे, नाउ OH। हाइड्रोक्सी एनिलीन, ये थी मिथॉक्सी एनिलीन, जिनको नेम नहीं पता, दीज आर हाइड्रोक्सी एनिलीन, तो अगेन सेम माइनस आई प्लस आर माइनस आई, ठीक है, ये बेटे वही फर्स्ट पोजीशन पे ये है, पहले बेटे सेकंड पोजीशन पे एनिलीन थी, इस केस में सेकंड पोजीशन पे एनिलीन थी, बट नाउ अब सेकंड पोजीशन पे ऑर्थो हो जाएगा, क्योंकि इन दिस केस ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ जाती है जो कि इसको स्टेबल करती है, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे ये आ जाता है, और एज यूजुअल फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है, मतलब मिथॉक्सी और हाइड्रोक्सी एक जैसे ग्रुप हैं, मगर हाइड्रोक्सी में ऑर्थो इसलिए पहले आता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दैट इज इंट्रा मॉलिकुलर, मॉलिक्यूल के विदिन, जो इसको स्टेबल बनाता है, ठीक है, विच विल फॉर्म इट स्टेबल। अब लगाओ जी बेटे नाइट्रो ग्रुप,
अब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करें बेटे नाइट्रो ग्रुप के साथ, ठीक है। अब से तो मैंने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दिया, मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया। तो पैरा पे माइनस आर माइनस आई दोनों हैं, यहाँ पे माइनस आई है, उसको तो छोड़ो ऑर्थो फैक्टी है। हाँ जी, जस्ट ट्राई दिया करो अपने आप को। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिल्कुल ही नहीं लगा वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाना है। अब इस केस में माइनस आई लगा है पर आर तो नहीं लगा ना, ये सेकंड पोजीशन पे हो जाना। ठीक है, इस केस में तो हमारा ऑर्थो इफेक्ट है, इस केस में माइनस आर भी है और माइनस आई भी है। अब माइनस आर माइनस आई ऑर्थो को छोड़ के तो ये थर्ड पोजीशन पे हो जाना है और ये क्या आ जाना है बेटे फोर। वैसे भी देखो जो माइनस आर है ना बेटे वो ऑर्थो और पैरा के लिए इक्वल होता है, इस केस में माइनस आई भी तो है साथ में, माइनस आई डिस्टेंस है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो एनिलीन के ऊपर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो एनिलीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। फिर उसके बाद जिसके ऊपर एक खींचने वाली टेंडेंसी सिर्फ एक है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगी और वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और ये तो ऑर्थो इफेक्ट ही है तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ऐसे आप क्लोरो लगा के देखो। अब इसको तो फिर ऑर्थो इफेक्ट के कारण सिर्फ एक देख के बाकी क्लोरो। अब सीएल का क्या होता है बेटे, प्लस आर माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई एग्जाम में आए ना सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ऑर्थो माइनस आई, यहाँ पे तो कोई खींचने वाला है ही नहीं, बिल्कुल खींचने वाला नहीं है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस केस में प्लस आर तो है कम से कम, अगर माइनस आई तो नो डाउट माइनस आई बहुत पावरफुल होता है इसका, मगर प्लस आर तो है कम से कम, तो सेकंड नंबर। अब इन दोनों में वो तो पता ही है कि ऑर्थो है बेचारा, और इसमें माइनस आई थर्ड नंबर पे, और ये बन जाएगा फोर्थ। ठीक है बेटे, तो इनमें ऑर्डर ये वाला हो। ओके, अब आ जाओ बेटे एन सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स के ऑर्डर। आपको दो क्वेश्चन आते हैं बेटे, एक तो हमने पहले बेसिक नेचर कर ली जो बेटे एनसीईआरटी के साथ डील करते हैं, तो हम जो अभी तक एग्जाम में हमने देखा है, जो हमने अमीन्स की बात करी उस पर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, जो इथाइल अमीन की बात करी उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, गैशियस और एक्वस फेस में दोनों में आपको पता होना चाहिए। अगर गैशियस फेस लिखा है तो आपने आंखें बंद करके टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ही लिखना है, अगर एक्वस लिखा है तो आपने ये देखना है कि ये मिथाइल अमीन है, अगर मिथाइल है तो सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी है, अगर इथाइल है तो सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी है। ठीक है, उसके अलावा ये जो किए हमने इट्स ये बहुत कम आए। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एनलीन क्यों कम बेसिक है एज कम्पेयर टू मिथाइल अमीन या कोई भी एलिफेटिक अमीन से, क्योंकि एनलीन में जो एनिलीन है वो रेजोनेंस के कारण अपनी इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर दे देते हैं, बिकॉज इसका जो है प्लस आर इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसके पास नहीं बचते। ठीक है, उसके बाद बेटे ये वाला आप करना, मगर उसको ज्यादा एम्फोसाइज करना, और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एन सब्स्टिट्यूटेड अमीन से। देखो एन सब्स्टिट्यूटेड अमीन क्या है कि जब हम एन को ही सब्स्टिट्यूट कर दे, मीन्स इसको ही सब्स्टिट्यूट कर दें, और फटाफट से मैं करवा दूँ, ये भी लास्ट है एन सी एच थ्री एच और एन सी एच थ्री सी एच थ्री। ठीक है, अब इधर दो एल्काइल ग्रुप है जिनका प्लस आर प्लस आई इफेक्ट है तो ये स्ट्रांग बनाएगा, इसमें एक है तो ये इससे स्ट्रांग होगा। ठीक है, जब एन सब्स्टिट्यूटेड होती है तो
ऑर्डर ये है क्योंकि इनमें प्लस आई इफेक्ट लग जाता है, ठीक है, प्लस आई। और यही सब्स्टिट्यूशन अगर आप बेंजीन के साथ करो, मतलब इसकी के साथ इसको हटा के एक बेंजीन रिंग ले आओ और एक हो हाइड्रोजन हटा के एक और बेंजीन रिंग ले आओ, ठीक है बेटे, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये, क्योंकि इन सबका ही क्या होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है जब आर ग्रुप लेके आओगे अल्काइल ग्रुप तो ऑर्डर ये होगा, अगर फिनाइल ग्रुप भी लेके आए बेंजीन लेके आए तो ऑर्डर ये होगा, ठीक है, ओके। चलो विल मीट टुमारो एंड डू द केमिकल प्रॉपर्टी।